दोस्तों आज हम एक बॉलीवुड की एक ऐसी डायरेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि एक लेडी डायरेक्टर हैं और जिन्होंने हालांकि कम ही फिल्में डायरेक्ट करी परंतु अपनी एक छाप छोड़ दी और एज ए लेडी होने के नाते उनका नाम एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर में उनका नाम आता है और वो है उनका नाम है तनुजा चंद्रा। इन्होंने जो पहले एक राइटर हुआ करती थी और इन्होंने दिल तो पागल है आपको पता है कि एक सुपरहिट मूवी जिसकी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो एक सुपर हिट मूवी थी तमन्ना होगी। इस तरह से इन्होंने काफी सारी जख्म होगी पहले राइटिंग का काम करती थी है और उसके बाद महेश भट्ट की जो कि महेश भट्ट भट्ट कैंप की जो मूवी आई थी दुश्मन जिसमें संजय दत्त और काजोल का बहुत मेन लीड रोल में थे और इसमें जो नेगेटिव रोल जो अदा करा था रोल को प्ले किया था जिसने वो थे आशुतोष राणा। और आशुतोष राणा को विलेन के रूप में इनकी जो दो मूवी एक ये दुश्मन और दूसरी संघर्ष इन दोनों ही मूवी ने उनको एक नेगेटिव रोल के लिए बहुत ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और आगे एक नया नया विलेन दे दिया एक तरह से। तो दुश्मन में दुश्मन की जो सारी स्क्रिप्ट थी बहुत ही बढ़िया तरह से हुए ये स्क्रिप्ट को रचा गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में एक क्रिटिकली एक सक्सेस मूवी है बनी। और इसमें जो मेन जो सबसे देखने वाली बात थी वो था आशुतोष राणा का नेगेटिव किरदार और इस किरदार ने लोगों के दिलों में बहुत ही अच्छी जगह बनाई और लोग उनको बहुत ही मतलब नफरत की नजरों से देखते थे। और इसी तरह से संघर्ष में अक्षय अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा स्टारर मूवी संघर्ष भी इसी तरह से उन्होंने ताना उस गाने की स्क्रिप्ट को इसी तरह ताना बुना और उसमें तो आशुतोष राणा ने बहुत ही नेगेटिव बहुत ही अच्छा अभिनय करा नेगेटिव रोल का और ये देहाती रोल का जैसे उस तरह से उन्होंने मतलब वो करा था अंधविश्वासी उसका रोल प्ले किया था और जिससे कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही सक्सेस मूवी हुई और इन दो मूवियों ने तनुजा चंद्रा को एक सक्सेस डायरेक्टर में खड़ा कर दिया। और हालांकि उसके बाद उनकी कोई खास मूवी चली नहीं है और ये दो मूवी उनकी करियर की बेस्ट मूवी बनी और इस तरह से एक लेडी डायरेक्टर होने के नाते काफी मतलब उन्होंने एक नामचीन डायरेक्टर बनी। और आप देखते हो कौन सी मूवी को आगे डायरेक्ट करते हैं अभी तो फिलहाल उनके बारे में कोई इतनी कोई जानकारी है नहीं कि कौन सी वो मूवी आगे करने वाली है। देखते हैं दोस्तों उनके जैसे एक लेडी डायरेक्टर को भी एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए और एक मूवी को फिर बनाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने ये दो मूवी हमारे दर्शकों को बना बना के दी है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी नेक्स्ट मूवी आए और हमारे को मनोरंजन करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।